एक महिला का साड़ी पहनकर जिम में एक्सरसाइज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग सोच रहे थे कि आखिर यह महिला कौन है। इस सवाल का जवाब ईटीवी भारत ने ढूंढा है। दरअसल ये महिला पेशे से एक डॉक्टर हैं, जिनका नाम शर्वरी इनामदार है और इनको एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है। सेहतमंद रहने के लिए कसरत करना अगर अच्छी बात है तो क्यों ना त्योहार जैसे उसे साड़ी पहन के सेलिब्रेट किया जाए, इस कल्पना से उस वीडियो का जन्म हुआ। वैसे देखा जाए तो साड़ी पहन के महिलाएं जो है वो खुद की तरफ ध्यान देना कर ही सकती है, लेकिन साड़ी ये लिमिटेशन नहीं हो सकती उन्हें जो कुछ भी करना है वो करने के लिए। शर्वरी एक दिन के लिए भी जिम जाना नहीं भूलती हैं। यही उनकी गुड टॉन्ड बॉडी का राज है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, आप जो कोई भी व्यायाम करोगे उसमें आपके शरीर का मन का स्थैर्य और बल बढ़ता है, तो आपके जीवन की क्वालिटी जो है वो उससे बहुत उन्नत होती है। तो अगर महिला है और उसको बोन डेंसिटी थ्रू आउट द लाइफ अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज और उसके बाद भी मेंटेन रखनी है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सरसाइज करना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर शर्वरी अपने व्यायाम के इस सफर को काफी उत्साहित होकर बताती हैं। वो एक बेहतर व्यक्तित्व के लिए व्यायाम करने की भी सलाह देती हैं। जब हमें हेल्दी रहना होता है तो हमें उसके बारे में बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ता है। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं 5-10 लोग 100 में से कि जिनको अपनी हेल्थ की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं उन्हें हेल्थ के बारे में अगर वो जागरूक नहीं है तो उन्हें बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोमॉर्बिडिटी वर्ड हमने देखा है ना, डायबिटीज, प्री डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हार्ट डिसीज और अपने जो इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, उन सब में आपका खान पान और आपकी दिनचर्या जो है वो बहुत मायने रखती है। पेशे से आयुर्वेद में एमडी डॉक्टर शर्वरी इनामदार एक ट्रेंड पावर लिफ्टर है। वो 4 बार स्ट्रांग वुमन का खिताब भी जीत चुकी हैं। पहले जो वर्कआउट करती थी वो साइकिलिंग, कार्डियो, भरतनाट्यम जैसा ये उनका शेड्यूल था। उन्होंने सिर्फ मैंने कहा उनको कि आप ये वेट ट्रेनिंग भी शुरू कीजिए, उन्होंने वो शुरू किया और खुद से ही उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये डेवलप किया है सब। जब स्ट्रेंथ का उन्हें पता चला कि कितनी स्ट्रेंथ है, ये कैसे बढ़ सकती है, तो उसके लिए उन्होंने आहार शास्त्र का जो है वो अलग तरीके से अध्ययन किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, वो एक्चुअली वर्क होता है या नहीं वो देखा और उसके बाद अलग अलग उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गया। शर्वरी पुणे में डाइट क्लिनिक के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार के महत्व पर जोर देती हैं। उसका प्रोग्राम वर्कआउट का, शेड्यूल खाने का, वो सब उन्होंने ही डिज़ाइन किया हुआ है और खुद के पूरा साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करके उसके ऊपर ध्यान देकर उन्होंने खुद को डेवलप किया है इस एक्सरसाइज और फिटनेस में। शर्वरी ने वास्तव में एक मिसाल कायम की है और वो एक स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए आंदोलन चला रही हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि हर कोई सिर्फ साड़ी पहन के वर्कआउट करे या उनका पहराव वैसा हो। आप जो कुछ भी कंफर्टेबल महसूस करते हो, फिर आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है या आप कौन सी भाषा बोलते हो, ये कोई भी चीज़ आपको लिमिट नहीं कर सकती अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो। खुद को स्वस्थ रखने और अच्छी सेहत के प्रति संदेश देने के लिए शर्वरी ने समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।
24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।